तो फिर दिखाते हैं आपको मैजिक, और मैजिक है बंद करना। देखो, हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेडी क्रेजी फिजिक्स। और आज आपके लिए जो मैं प्रैक्टिकल लेके आया हूँ, कत्ती ज़बरदस्त प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप सब ने अभी तक जो लाइट बल्ब है या ट्यूबलाइट है वो बिजली के द्वारा जलते हुए देखा है, या फिर हम उसमें अर्थ और फेस देते हैं तो हमने देखा है। लेकिन आज आपको हम, वैसे जो ट्यूबलाइट है वो मेरे को फ्यूज़ मिली, क्योंकि इस तरह की जो ट्यूबलाइट है वो बंद हो गई है। वैसे आपको मैं डेट दिखाऊं, देखो ये 2012 की है, 31/5/2012 की है, पुरानी ट्यूबलाइट है। तो इस ट्यूबलाइट को यदि आप जलाते हो तो क्या करते हो, सिंपल होल्डर के अंदर और इसमें अर्थ और फेस लगाते हो। तो हम इस ट्यूबलाइट को बिना बिजली के और बिना वायर के हवा के अंदर जला के दिखाएंगे, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को हवा के अंदर ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे कि ये हवा में किस तरह से जल पाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए, और इसके अलावा मेरे पास एक बल्ब और है जो आपने देखा होगा कई बार, इस तरह का। देखो, इस बल्ब को भी हम जला के देखेंगे उसी से कि ये जल पाता है या नहीं पाता। तो उसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए, जैसे कि पाइप चाहिएगा और एक स्टैंड, एक प्लाई बोर्ड जिसके ऊपर हम सब चीज़ों को सेट करेंगे, और इसके अलावा हमें एक एल्यूमिनियम फॉइल चाहिएगी, एक बैटरी चाहिएगी, एक हमारे पास इस बैटरी के लिए कनेक्टर चाहिएगा, और कुछ स्टैंड चाहिएंगे, वायर चाहिएगा, और हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो आपको देखो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो एक तो हमें, तो हमारे पास यहाँ पर एक तो हम लेंगे एलईडी, जो कि एक एलईडी है, और एक हमें चाहिए ट्रांजिस्टर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक ट्रांजिस्टर हमारे पास ये भी है, और एक ट्रांजिस्टर हमारे पास ये भी है, और एक ट्रांजिस्टर हमारे पास ये भी है। लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए ये भी नहीं, वो हमें चाहिएगा ये 222A वाला। देख सकते हैं आप इसका नंबर, देख सकते हैं मैं आपको एक बार नंबर, मैं आपको इसकी, आप देखिए इसका जो नंबर है वो है 222A वाला, इस तरह का ट्रांजिस्टर चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसका जो नंबर है वो अलग है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ, साथ में जो सर्किट डायग्राम है उसकी मैं एक पिक आपको डाल दूंगा, आप यदि बनाना चाहें घर पे तो उससे देख करके जोड़ सकते हैं। बस इसको बनाने में, जोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम सीधा आपको बना करके डायरेक्टली दिखाते हैं, और इनका कनेक्शन जो है वो मैं लगा दूंगा। तो हमने ये सिंपल एक टेस्ला कोयल बना ली है, ये कॉपर वायर था, इसको प्लास्टिक पाइप पर लगा कर इसके ऊपर सिंपल बॉल लगाई है, और अब हम इसको इसके स्टैंड पर लगा करके, पहले मैं इसमें स्टैंड कस देता हूँ। तो हमने ये जो ट्रांजिस्टर था इसके अंदर, बीच वाले के अंदर दो कनेक्शन किए, साइड में एक कनेक्शन, और अब हम सिर्फ सब कनेक्शनों को आपस में एक बार कनेक्ट कर देते हैं और फिर चलाते हैं इसको। सही है, और जो पावर सप्लाई है वो जा रही है। ये हमने केवल इंडिकेटर के लिए लगाया है कि इंडिकेटर हमें मिलता कि नहीं मिलता, और अब देखेंगे आप मैजिक। तो सिंपल हमारे पास ये ट्यूबलाइट है, और इसके अंदर हमने किसी प्रकार का कुछ भी नहीं लगा रखा, और ये भी फ्यूज ट्यूबलाइट है, ठीक है ना। मैं इस पावर को ऑन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर लाइट जल चुकी, इसका मतलब ये चालू हो चुका है। और अब आप देखेंगे, इसको मैं आपको इधर ही दिखाता हूँ, देखिए जैसे हम इसको पास लेके जाएंगे कि जो ट्यूबलाइट है वो जल जाएगी, देखा, और जैसे दूर लेके जाएंगे तो ये अपने आप बुझ जाती। मैं इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा इसमें कुछ लगा रखा हो, स्विच लगा रखा हो, देखो जैसे इसको पास लेके जाएंगे तो ये जलना शुरू कर देती, और जैसे दूर लेके जाएंगे और ये बंद। अब आप ये देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये देखो जल रही है, और इसी को एक बार हम डार्क रूम में करके दिखाते हैं। तो अब हम इसको लेके आए हैं डार्क रूम में, वैसे ज़्यादा डार्क तो नहीं है, अभी और कर देंगे। तो एक बार मैं आपको सिंपल चला के दिखाता हूँ। तो देखिए इंडिकेटर जल गया है, इसका मतलब ये चालू है, और ये जो ट्यूबलाइट है अब जलती हुई दिखाई दे रही होगी, बंद करना। अब देखो, अब मैं नहीं दिख रहा, लेकिन जो ट्यूबलाइट है वो बिल्कुल आराम से दिख रही होती है, और जैसे ही पास ले आएंगे और एक ग्लो करेगी, ये देखो।
और इससे भी मज़ेदार आपको ये बल्ब दिखाई देगा, देखो कितना शानदार जल रहा है, देखो। और जिस जिधर जिधर लेके जाते हैं उधर उधर ये जलता है, वो भी बिना लाइट के कनेक्शन के, क्योंकि इस पूरी कॉयल से जो लाइट है वो सीधी ट्रांसफ़र हो रही है इन फिनामेंटल के पास, जो कि इसको जलने के लिए आवश्यक है। यानी कि इसको जो लेके जाएंगे बंद हो जाएगा, जैसे पास लेके आएंगे चल जाएगा, ये देखो। तो फिर दिखाते हैं आपको मैजिक, और मैजिक है बंद करना, देखो देखो देख रहा है, एंड सेकंड देखो। तो यदि हमारा आपको ये टेस्ला कॉइल पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं। और सभी लोग क्या करेंगे, गौरी? सब लाइक करेंगे। बस।